वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर नीता गुप्ता और आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको हम वायरल फ्लू भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आज ये हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता क्या है और ये कैसे किन किन कारणों से फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसके प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सी है और इसके बाद होम्योपैथ मेडिसिन जिससे कि वायरल फ्लू से बचा जा सकता है या उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। और चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वायरस, जो कि हम इसको वायरल फ्लू भी बोलते हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है। ये ज़्यादातर नोज, थ्रोट और माउथ के जरिए हमारे शरीर में एंटर करती हैं और ये फैलने वाली संक्रामक होती हैं। जो एडल्ट होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत कम देखने को मिलती हैं और ज़्यादा होती हैं जिन बच्चों में, आयु बुजुर्गों में जिनकी आयु 65 से हो और जिनकी इम्यूनिटी लो हो और जिसको बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हो या बीमार हो, और प्रेग्नेंट लेडी में इन्फ्लुएंजा वायरस देखा जाता है। ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम, जैसे सर्दी से गर्मी आती है, जैसे फेब से मार्च में ये जो टाइमिंग होती है, इससे ये सर्दी इनमें ज़्यादा होती है, सर्दी इन्फ्लुएंजा वायरस ज़्यादा होती है, जिसको वायरल फ्लू भी बोलते हैं। और बरसात के मौसम में भी ये इन्फ्लुएंजा वायरस होती हैं, जैसे कि जब मौसम चेंज होता है, ठंड से गर्म, गर्म से ठंड आती है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक हमारे बॉडी पे आता है। और ये ज़्यादातर सर्दियों में भी, जब ठंडा मौसम होता है तब इन्फ्लुएंजा वायरस होती है। क्यों होती है? सर्दियों में क्या होता है, बाहर का तापमान ठंड होती है और घर के अंदर का तापमान गर्म होता है, तो जिसमें जो वायरस होते हैं वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। और घर में इकट्ठा, ठंड में घर में एक जगह, बाहर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, इस वजह से जितने भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के टच में आते हैं या टच में आने के बाद से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण आसानी से फैल जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस हमें, वायरल फ्लू हमें किन कारण की वजह से होती है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से हमें वायरल फ्लू होती है, जो सर्दी जुकाम जितने भी सारे सिम्टम्स आते हैं और ये सारे हम प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करेंगे कि ये फैलते कैसे हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलती हैं, जैसे कि अगर एक व्यक्ति जो संक्रमण है वो आपके साथ स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, बातचीत करने के, खांसने छींकने पे वो जो भी ड्रॉपलेट्स होती हैं, न्यूक्लियाई होती हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो हमारे मुँह से जो भी थूक निकलते हैं वो वातावरण में, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हवा के जरिए वो हमारे इनहेल करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए हमारे बॉडी में जाते हैं। ये सबसे पहले नेजोफेरिंजियल में ऑलरेडी 2 दिन तक रहते हैं, इसके सिम्टम्स हमें दिखते नहीं हैं, जैसे कि जो भी वायरस होते हैं हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से होते हैं, वो कुछ दिन बाद, जैसे 2 या 3 दिन बाद ये सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। जैसे कोई हवा से इनहेल करने के बाद वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे नेजोफेरिंजियल में 2 दिन तक रहता है और इसके सिम्टम्स हमें 2 दिन बाद दिखते हैं। और ये इन्फेक्ट पहले हमारे ट्रैकिया और ट्रैकिया को इन्फेक्ट, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल म्यूकोजा को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। और जब भी ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होती है, ये ज़्यादातर जो भी किसी वस्तु पे 2 से 8 घंटे तक जीवित रहते हैं, उसके बाद इनकी जो वायरस फैलाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे किसी वस्तु को टच करते हैं, जैसे कि लैपटॉप हुआ, फ़ोन हुए या कंप्यूटर बोर्ड हुआ या टीवी रिमोट, जितने भी सारे चीज़ें छूते हैं वो उस वस्तु को छूने के बाद अपने हाथ को नाक या मुंह पे लगाने के बाद वो हमारे वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जिससे कि हम संक्रमित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं।
और उस संक्रमण के दौरान हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होती है, फीवर होती है, वो 100 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट तक का होता है। ज़्यादा इस इतने फीवर होती है, या बच्चों में इससे ज़्यादा भी फीवर हो सकती है। और इसके कभी कभी इतना फीवर होने लगता है कि चेहरे पे पसीने दिखते हैं और ज़्यादा। और इससे कैसे, जब इन्फ्लुएंजा वायरस हो तो हमें क्या क्या करनी चाहिए? लोगों से दूर रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जानी चाहिए। और अगर छोटे बच्चे को हुआ तो उसको स्कूल से छुट्टी लेनी चाहिए। ऑफिस अगर वर्किंग है तो उनको ऑफिस नहीं जाना चाहिए। और अगर ऑफिस जा रहे हो तो मास्क लगाना ना भूलें। और ऑफिस में जब भी कोई भी चीज़ छूना हो तो हमें पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। अपने हाथों को हमेशा धुलते रहना चाहिए, जिससे कि हम संक्रमित ना हो पाए। और ज़्यादातर इसमें क्या खाना चाहिए, इसमें हमें ऐसे पौष्टिक तत्व लेने चाहिए कि जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी हो जाए, कि जिससे इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। तो जिसमें प्रोटीन युक्त आहार लेनी चाहिए, जैसे कि B6 और B12, प्रोटीन से रिलेटेड सारी चीज़ें लेनी चाहिए। फ्लू के दौरान हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें हमें पूरा रेस्ट लेना चाहिए और अपने आप को गर्म रखना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए और ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का यूज़ करना चाहिए। और अगर आप भूख ना लगी हो लेकिन आप थोड़ा भोजन ज़रूर करें। फ्लू के दौरान हमें ज़्यादातर गर्म चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, एग एंड चिकन खा सकते हैं और चिकन सूप भी पी सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो जैसे चाय और शहद, ये सब सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। फ्लू के दौरान हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ठंड लग के बुखार आना होता है, फिर रनिंग नोज होते हैं और फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होती है और बहुत ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में। होम्योपैथी मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे इन्फ्लुएंजा वायरस से बचा जा सकता है। सबसे पहला नंबर है, पहली मेडिसिन इन्फ्लुएंजियम 200 है, जो कि बचाव के लिए होती है। अगर आपके घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसको इन्फ्लुएंजियम 200 दो दो गोली रोज लेनी चाहिए, जब तक कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो भी संक्रमित व्यक्ति है जब तक आराम नहीं हो उसको हो जाता तब ले। एकोनाइट नेफ्लेस, ये बहुत अच्छी दवा होती है इन्फ्लुएंजा वायरस में। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के 24 घंटे के अंदर देनी चाहिए, तब ये ज़्यादा रिलीफ मिलती है। इसमें व्यक्ति भय रहता है और इसको पूरे बॉडी में इतनी दर्द होती है, दर्द के कारण वो एक एक जगह नहीं रह पाता है, वो उसके अंदर छटपटी सी होती है, फीवर होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होते हैं इसमें। और ये सारे सिम्टम्स एकोनाइट नेफ्लेस में देखने को मिलती हैं। तो एकोनाइट नेफ्लेस इन्फ्लुएंजा वायरस में बहुत अच्छी दवा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक की दूसरी मेडिसिन के बारे में, जो कि रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स ये सबसे बहुत अच्छी दवा होती है इन्फ्लुएंजा में, जो कि जो भी हड्डियों में दर्द होते हैं, जोड़ों में जो कि दर्द होते हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा असरदार होती है। एकोनाइट में फीवर बढ़ने के साथ साथ खांसी भी बढ़ने लगती है, और जब उसको पसीना होता है तो पसीना होने के बाद इसको बहुत बॉडी में बहुत रिलीफ मिलती है और फीवर लो हो जाती है। इसमें सर्दी लग के बुखार होती है, बदन में दर्द रहता है, ये सारे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। अब डलका मरा, ये डलका मरा बहुत अच्छी दवा होती है। जब मौसम ठंड से गर्म में आती है, गर्म से ठंड में, और जैसे दिन में दोपहर में गर्म हो, सुबह शाम ठंडे मौसम हो, तो इसमें जब भी फीवर होते हैं या सर्दी जुकाम होते हैं तो डलका मरा बहुत अच्छी दवा होती है। और ये जैसे कि बरसात के मौसम में भी चेंज होते हैं, गर्म ठंड रहती है, उसमें भी जो भी फीवर
जो भी सिम्टम्स आते हैं फीवर के, उसमें डरकमाना बहुत अच्छी दवा होती है और इन्फ्लुएंजा में बहुत अच्छी मेडिसिन माना गया है डरकमाना को। और आर्सेनिक एल्बम जो कि थोड़े थोड़े देर प्यास लगती है इसमें फीवर में, और एल्बम एक नाइट की तरह है, जैसे जैसे इसकी फीवर हाई ग्रेड होने लगता है तो इसकी छटपटी और बॉडी में छटपटी सी होने लगती है, इसको बहुत प्यास लगती है और ये सारे सिम्टम्स आर्सेनिक एल्बम में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूपिटोरियम परफोरेटम, जो कि बहुत अच्छी दवा होती है, जब पूरे शरीर में बहुत दर्द होती है तब यूपिटोरियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि फीवर में बहुत अच्छी दवा होती है और कमजोरी भी बढ़ती है। तो दोस्तों अगर अब मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।